तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको थैंक यू हमें इतना प्यार करने के लिए, नवाब को इतना प्यार करने के लिए। और जो आज का व्लॉग है वो है, मैं आज नवाब को नहलाने वाला हूँ, तो मेरे को लगा कि मैं व्लॉग बना ही देता हूँ। हमेशा आप लोग पूछते हो कि मतलब नवाब को कैसे नहलाता हूँ और नवाब की वॉशिंग का क्या प्रोसेस है, तो मुझे लगा कि आज मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो बना के। मैं बहुत सिंपल तरीके से नहलाता हूँ उसे, तो जुड़े रहो मेरे साथ वीडियो में और देखो नवाब कैसे नहाता है। इसे देख रहे हो, आज ने इसको घर आके रनिंग के बाद में इसके ना पैर वॉश नहीं किए उनके, क्योंकि इसे नहलाना था। तो भाई साहब ने ना पूरे घर में दोनों बेडशीट, कोई सोफा, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे इसने लेटी लेटी नहीं मारी है। और मैं इसको खड़े हुए यही देख रही हूँ कि कर क्या रहा है ये। हर जगह जा जाके ना मतलब अपने आप को रगड़ रहा है, इसको खुद फील हो रहा है कि आज ना कुछ तो रह गया है, मेरे को साफ कर दो। और ये नन्नू इसके पीछे 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 पीछे, नन्नू से हाय। देखो 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 भाई, नहा लें चलें, नहाए चलें, नहाए नहाना इसे ही पसंद नहीं है। फिर भी बस बस आप ही जरा जल्दी कम, इसको पता है कि आज नहाने वाला है, क्योंकि जब सामान लेकिन उठता हूँ मैं इसके सामने फिर से पता चल जाता है। और ये बचने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब ये बहुत प्यार से मेरे पास ना रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ मैं फ़ोन दे देता हूँ नवाबू की मम्मा को। पीएम। अच्छा ये मिट्टी देखना, सबसे पहले ना आपको इसकी मिट्टी साफ करनी होती है अपने बच्चों को, ताकि जब आप कोई उस पर अप्लाई करो तो ये जमे ना। भाई साहब देख लो कैसी हालत है। बस तो कितना भी फिरे लेकिन उसको पता है ये सर्विस होनी है तो होनी है, पैम्परिंग में मजा आता है इसे। होने वो अरे वाह क्या लैंडिंग थी। तो आपको क्या करना है, नहलाने से पहले ना अपने बच्चे के बॉडी पे 10 मिनट कोकोनट ऑयल लेके उसे अप्लाई करना है। और जैसे हम लोग अपने बालों में चप्पी करते हैं ना सेम वैसे। ये किसे मजा नहीं आएगा, तो नाबू की मम्मी बता सकती है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं डैंड्रफ के लिए, ड्राई स्किन के लिए। और नहलाने से पहले अप्लाई करना है ऑयल, 10 मिनट लगा के छोड़ दो। देखो मज़ा भी आता है, कोटिंग अच्छी रहती है, शाइन करते हैं, सेम एज जैसे हम लोगों को ऑयल की नीड होती है। जो बेनिफिट्स हमारे लिए हैं वही। बेटे की तो सर्विस चल रही है लेकिन माँ बिल्कुल ऐसे देख रही है कि मेरे बेटे की उसमें ना कहीं कमी ना रह जाए, क्या बोलते हैं खातर पानी में, और है ना भाई साहब। और मेरे को कुछ पेमेंट भी नहीं की जाएगी, मतलब बेटे के मज़े आ रहे हैं, मम्मा भी देखो देखो लगी हुई। हाँ ये बात भी सही है, कोई बात नहीं है ठीक है। इस बेरोज़गार आदमी को पक्का सोच लो। अच्छा आप जो ये ऐसे बैठे हो तो आप ये ब्लॉग में आने की वजह से बैठे हो, लाइमलाइट चाहिए। नाबू को देखो फिर बैक लेके खड़ा हो गया, कह रहा कर दो कुछ भी। लेकिन लाडला तो मेरा ही है, इस बात में बोलता नहीं भाई। तो अभी चलो मैंने ना इसके ऊपर ये कोकोनट ऑयल अप्लाई किया और मैं 10 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ूँ और 10 मिनट के बाद मैं फिर इसे शैम्पू से नहलाऊंगा। तो थोड़ी देर में मिलते हैं, व्लॉग तो वहीं से स्टार्ट होगा बट मैं 10 मिनट की ब्रेक पे जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी थोड़ी स्वेटिंग ना सुखा लेता हूँ साफ। ये देखो नाबू को अब नहलाया जा रहा है, बुग्गी आ गई हमारी
फाइनल मोड पे। नाबू हो गई सिट्टू। कहाँ हुई सिट्टू? नहीं हुई। हाँ मेरे पापा नीचे गीले हैं। ये सोकर काम नहीं कर रही है? नहीं। ओ अभी कानों में जाएंगे। ये हमने लिए कॉटन और कॉटन को लगाना है कानों में। आओ 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 आग देखो कैसे मर रहे। ये पापा अच्छा लग रहा है। कितना गंदा था रोहन। ये कहाँ लेके जाते हैं मुझे सच सच बताओ। इसके साथ करते क्या हो सुबह सुबह? मजदूरी करा के लाता हूँ अपने घर। और दिहाड़ी कितनी मिलती है इसको दिन की? जो घर चल रहा है ना वो बीसी की मजदूरी से चल रहा है। मैं तो कमा नहीं रहा हूँ। नाबू कितनी दिहाड़ी मिल रही है आपको? इस सुबह सुबह आप इतना गंदा होके आते हो। कितनी चल रही है दिहाड़ी आपकी? शैम्पू शैम्पू कितने आराम से लगवा रहे हैं। गिमी और पो ये लो पापा। ये रोहन नाबू कैसे होता होगा ना। मैंने बोला था ना मुझे मत नहलाना। देखो कितना छोटू सा निकला मैं अंदर से। है ना खसकी वाली पोस्ट ने। अरे लड़के बिल्ली है ये बिल्ली। ओए बिल्ली नवाब का नाम ना एकदम सही है। क्यों है नवाब? हम क्योंकि हम नवाबों की तरह जीते हैं। है ना अबू? भाई साहब बेटे को नहलाते नहलाते रोहन की हालत देखने वाली होती है। पापा और कितना टाइम और क्या मुझे छोड़ना है। मुझे रेस्ट भी तो करने है। और आज तो नाबू वैसे भी नहाए नहीं कर रहे हैं तो आज तो पूरा दिन सोएगा ये। नहा के ना बच्चे बहुत अच्छे से सोते हैं अच्छी नींद लेते हैं। अरे ज़्यादा मत करो ना ज़्यादा। अरे तुम ज़्यादा कर रहे हो बाबा। पापा चिक्स के नीचे मत लगाओ ना। ज्यादा कर रहे हो तुम। मैं मालूंगा तुमको। नाबू नाबू पापा को बोलो मैं मालूंगा तुमको। तुम ज्यादा कर ले हो। चुटकी बट से देख रहे खड़े हो। मैंने बोला था ना पापा आपको आप ज्यादा कर ले हो। ज्यादा आप ज्यादा मत करो ना। चारों पैर हवा में है। पर नाबू सच में बहुत गंदा हो रहा है बेटा नीचे से बहुत गंदा हो रहा है। ये क्या है ये रोन सच्ची सच्ची बताओ ना यार प्लीज़ बताओ। अच्छा मैं तुम्हें नहाने तक का टाइम देती हूँ जब तक आप उसको नहला देते हो ना कि बताओ ना करवाते क्या हो इससे। दोनों बाप बेटा ऐसे बैठ जाते हो गंदे पानी में। हाँ नहीं लगता होगा नो डाउट। फिर आप करते क्या हो सुबह जैसे गंदा पानी देखते हो कहीं दोनों तो कूद जाते हो ऐसे ही बैठ जाते हो जैसे अभी फिलहाल बैठे हो एकदम रिलैक्स हो गए रिलैक्स मोड में कि गंदा पानी ये मजे आ गए बैठ जाओ। देखो नाबू को नाबू की नन्नू। अरे रोहन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है मेरा बच्चा। मजाक वाली बात नहीं है। हमारे ना इनके बॉडी पार्ट्स को ना बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए लिटरली क्योंकि ये लोग ना खुद से कर नहीं पाते सीरियसली। तो जब भी आप इन्हें नहलाओ ना तो इनके जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स है ना उनको अच्छे से क्लीन करो। क्योंकि जब आप बाहर ग्रूमिंग कराते हो ना बच्चों की वो भी करते हैं नो डाउट। तो आप अगर खुद नहलाते हो तो आप खुद भी करो। और नाबू के पापा तो नाबू का बहुत ध्यान रखते हैं बस पूरी बॉडी में आँखों में शैम्पू पानी नहीं जाना चाहिए। आँखों में कानों में बस कानों में हमने लगा दिया है कॉटन और आँखों में हम जाने नहीं देंगे। देखो पिछवाड़ा साफ हो रहा है नाबू ये नाबू की बॉल्स रसगुल्ले भी साफ हो रहे हैं। नाबू का पिछवाड़ा साफ होते हुए और नाबू बहुत मजे से करवा रहा है। हाँ पापा करो 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 क्योंकि मैं खुद तो कर नहीं पाता हूँ आप ही करो। जो स्मेल आती है ना बच्चों में इसी वजह से आती है क्योंकि जो इनका ये पूप वाला एरिया होता है ना तो ये क्लीन नहीं होता है। और आप अगर घर पे नहलाते हो इसे क्लीन नहीं करते हो ना
और काफ़ी टाइम बाद तो ना इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है अगर साफ ना हो तो रेगुलर। ये देखो भाई शैम्पू हो चुका है और शैम्पू के बाद अब अप्लाई हो रहा है कंडीशनर। नाबू के फुल ऑन मज़े, मस्त एकदम। और अभी जो इसने इतना सही धुन 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 किया है ना, मैंने ट्राई तो किया स्लोमो लेने का, लेकिन देखते हैं बाद में कि आता है कि नहीं वीडियो में। बहुत सही ऐसे धुन 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 करते हैं ना ये लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नाबू खुशबू कितनी अच्छी है इसकी कंडीशनर की, मेला बाबा। नाबू और नाबू के पापा इतना सीरियस मोड में, एक बंदा नहला रहा है एक नहा रहा है। हाँ जी क्यों बैठे हो? अभी दो मिनट वेट कर रहे कंडीशनर को। अरे वाह क्या बात है। नाबू कह रहा था थोड़ा मैं नीचे नैन मटक्का कर लूं। ये अच्छा वो धुन 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 करता है उसका समझ आता है। आप क्यों धुन धुन करते हो? सेम ही लगाता हूं क्योंकि मैं हंस के पापा हूं। अरे ये क्या हो रहा है? अबे ये क्या हो रहा है? ये कौन सा, ये नहाने का ये भी पार्ट है क्या? ये क्या हो रहा है रोहन? यार ये तुम बाथरूम में ये सब भी करते हो क्या इसके साथ? मेरे बच्चे को डरा रहे हो तुम रोहन। डराना नहीं है, गंदी बात। हाँ जी कंडीशन निकालना है अभी। क्या बात है नाबू, मजे मजे। ये ओले है तो पानी ही निकालना। रहने दो कंडीशन की खुशबू अच्छी है। अच्छा और ये क्या है नवाब साहब, ये क्या है? ये जो आप पैर से आप जो रोक रहे हो ये क्या है? ओले बाबा ले तो किच्छी हो गई। पापा का पूरा फोकस है नन्नू और पोटी साफ करने में। नाबू का फाइनल टच आने वाला है, नाबू नहा चुका है। और नाबू का जो सबसे खतरनाक पार्ट है वो है बताओ क्या है? सबको पता चल गया क्या है? आ जाओ अभी नाबू को देखो, नाबू को भी समझ में आ गया कि इसके साथ क्या होने वाला है। गपला होने वाला बेटा गपला। नाबू आपने देखा होगा मतलब मैंने ना पूरी बॉडी में शैम्पू लगाया लेकिन इसके फेस पे नहीं लगाया, उसके आंखों पे नहीं लगाना है। बस मुंह अच्छे से क्लीन कर देना है पानी से। वैसे तो मैं वेट वाइप से करती रहती हूँ बीच बीच में। मैं कभी भी कानों के अंदर पानी नहीं डालता। हाँ कानों के अंदर पानी नहीं जाएगा, आँख के अंदर पानी नहीं जाएगा और शैम्पू नहीं जाएगा। और ये हो गया और ये बात करते करते बस ये हो गया। ये हमारा नाबू, ये हमारी ट्रिक थी आपके साथ धोखा करने की और ये हमने धोखा कर लिया। नाबू रोहन, नाबू आपकी आईज़ में ना या आपकी तरफ इतने ट्रस्ट के साथ देखते ना भाई साहब, मुझे कब मिलेगा ये ट्रस्ट? ए नाबू मम्मी से कब करेगा ये प्यार? ओ भाई ये तो स्मूथ हो गई। हाँ जी तो कोई अब गैस कर सकता है कि अब क्या होने वाला है? अब होने वाला है ये जो घर में सफाई हुई थी और ये करेगा सफाई की ऐसी की तैसी। जिस दिन ये बाप बेटा नहाते और नहलाते हैं ना उस दिन लग जाती है कसम से, घर में सफाई तो हो ही नहीं सकती। हाँ 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 कर ले बेटा कर ले, अच्छे से कर ले। माँ तो लगी है ना, दोबारा करेगी है ना? नहीं अभी करानी है, अभी रुक जाओ पहले मिलो।
पहले मेरे को अपना करने दो। चलियो क्या ना वो क्या ये? ये हो गया हो गया, इतना ही तो बोला था आपने तो बस हो गया। अब आप आ जाओ। है, किसने कहा था भाई, किसने कहा था इतना करने को तेरे को? ये देखो नाबू कटाल देखो, नाबू जैसा तीन तीन नाबू, नीचे वाले दो कितने क्यूट है ना, और ये हमारा उसकी भाई रोहन घर की सफाई की लग गई और क्या हो गया। लबड़ी और ये जिनके पास भी बच्चे हैं ना, कोई भी ब्रीड हो, सबको पता है नहाने के बाद क्या हालत करते हैं ना। नाबू ए गुगू, ए गुगू छे, ये देखो अब ये बच्चा छिपता फिर रहा है कि अब कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, क्यों? क्योंकि अब आ गया ड्राइव। अरे ये क्या हो रहा है, अच्छी कहाँ से वीडियो बनी थी, सही एकदम सही व्लॉग बना था, ये फनी पार्ट कहाँ से आ गया सर? अबे ये क्या चल रहा है, आप कितने आराम से पढ़ के करवा रहे हैं? तो नाबू हो चुका है नहाने के बाद में रेडी, देखो कितना हैंडसम लग रहा है लड़का, और बिल्कुल थोड़ी देर बाद सूखने के बाद तो इतना गोरा निकलेगा ना, तो खुद पे यकीन नहीं होगा कि नवाब ये सही है। मतलब इतना मस्त निकलता है ना, मजा आता है और बहुत इजी होता है नहलाना, आप देख रहे हो, मतलब प्रोसेस है, मतलब नॉर्मल प्रोसेस है, आप फॉलो कर सकते हो और कंटिन्यू हमारे ब्लॉग्स में बनी रहो। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि मतलब नाबू को मैं कैसे नहलाता हूं, मैं बहुत सिंपल तरीके से नहलाता हूं, मतलब मैं कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं करता कि जो मेरे लिए टफ हो या नवाब के लिए टफ हो, मतलब जहाँ जहाँ पे नवाब कोऑपरेट करता है मतलब मैं उसके लिए वही चीज़ अप्लाई करता हूँ, वो इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं करता कि मतलब उसे लगे कि उसके साथ कुछ मैं गलत कर रहा हूँ और उसको मज़ा नहीं आने में, तो शायद नवाब इसीलिए मेरे साथ अच्छे से नहाता है क्योंकि मैं बिल्कुल वैसा करता हूँ जैसा उसे पसंद है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो और मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग में बना रहूँगा। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट व्लॉग, और हाँ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you.